केस लालू यादव न्यायालय पर जवाब। केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को मिली बड़ी राहत। जी हाँ, लालू परिवार को आखिरकार कोर्ट से मिली खुशखबरी। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी व आरजेडी सांसद मीसा भारती को जमीन के बदले नौकरी मामले में जमानत मिल गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, मीसा भारती और राबड़ी देवी को 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी है। वही मामले की अगली सुनवाई की अगर हम बात करें तो 29 मार्च को होगी। बता दें कि इस मामले में तेजस्वी यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वैसे रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में तीनों आरोपी 15 मार्च को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे। सुनवाई शुरू होने पर लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती ने कोर्ट में जज के सामने अपनी उपस्थिति हाथ उठाकर दर्ज कराई थी। इसके बाद इन तीनों ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। वही कोर्ट ने तीनों की याचिका मंजूर करते हुए सभी आरोपियों को 50,000 रुपए की निजी मुचलके पर जमानत का आदेश दिया है। इसके पहले 6 मार्च को सीबीआई पटना स्थित राबड़ी देवी की आवास पर पहुंची थी, जहां उसने पूर्व सीएम से सवाल जवाब किए थे। वहीं अगले ही दिन 7 मार्च को सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर पहुंची। यहां पर सीबीआई ने घोटाला मामले में लालू यादव से पूछताछ की थी। इसके साथ ही पूछताछ के 3 दिन बाद ईडी की टीम ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार व करीबियों के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। और ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि कहां कहां छापेमारी हुई। इस दौरान ईडी ने दावा किया था कि उसे छानबीन के दौरान 600 करोड़ की आर्थिक अपराध का पता चला है। ईडी ने बताया कि 1 करोड़ कैश, $1,900, 540 ग्राम सोना और 1.5 किलो सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। वैसे लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत मिलने से राजद में उत्साह का माहौल है। बता दें कि जमानत की घोषणा होने के बाद राजद के विधायकों ने विधानसभा में लड्डू बांट कर जश्न भी मनाया। इस तरह लैंड फॉर जॉब मामले में फिलहाल लालू परिवार को थोड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि उन्होंने जो याचिका दायर की थी जमानत की, वो उन्हें फिलहाल मिल गई। हालांकि इस मामले में 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी और इस दिन कोर्ट इस मामले में कोई भी बड़ा फैसला सुना सकती है। ऐसे में सभी की नजरें 29 मार्च को होने वाले सुनवाई पर रहेगी। खैर, जो भी सुनवाई होगा वो रिपोर्ट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। खबरें अच्छी लगती हो तो लाइक करें। और अभी जो कोर्ट से इन लोगों को जमानत मिली है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये जमानत मिलनी चाहिए थी या फिर नहीं? इस पर अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।